गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ महाराणा प्रताप। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री से, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। हम सेकंड चैप्टर ले रहे हैं, वैसे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी है, लेकिन इसको हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि अभी उसमें बहुत सारे डेटेज वगैरह दे रखे हैं, ऑनलाइन पढ़ने में इतना समझ में नहीं आएगा, उसको हम क्लास में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल लेते हैं हम सेकंड चैप्टर हिस्ट्री से, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। यू हैव रीड इन द प्रीवियस क्लासेस that since ancient time India was an important trading center, merchants and traders from Europe and Asia came to India। हमने previous class में पढ़ा होगा कि India के अंदर जो है आज से नहीं ancient time से ही कई सारे जो traders merchants, trader और merchants का मतलब होता है व्यापारी, व्यापार करने वाले लोग, तो वो traders और merchants जो थे वह यूरोप से और एशिया से अलग अलग कंट्रीज से वह इंडिया के साथ में ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए वो मर्चेंट या ट्रेडर जो थे वो आते थे। द इंडियन ट्रेडर्स वर गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम दिस ट्रेड सो दे इंक्रीज सच ट्रेड। अब इंडिया के जो ट्रेडर जो थे उनको उस ट्रेड से बहुत प्रॉफिट होता था, इस वजह से उन्होंने ये जो ट्रेड जो था, फॉरेन ट्रेड जो था, उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया। अगली जो लाइन है उसको टिक लगाना है। इन 1498 अ पोर्चुगीज फ्लीट अंडर वास्को डी गामा सक्सेसफुली डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट from Europe to India, which paved the way for direct Indo-European commerce. Very very important line है, इसको टिक लगाना है। 1498 में पोर्चुगीज का मतलब होता है पुर्तगाली। यूरोप के अंदर एक कंट्री है जिसका नाम है पुर्तगाल, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं पोर्चुगल। तो पोर्चुगल के जो लोग हैं उनको कहा जाता है पोर्चुगीज। तो वास्कोडी गामा नाम का एक पोर्चुगीज जो था, यानी कि वास्कोडी गामा पोर्चुगल का रहने वाला था, उसकी लीडरशिप में यूरोप से इंडिया आने का सी रूट जो था उसको डिस्कवर किया गया। कब? 1498 में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोप से इंडिया आने के लिए जो सी रूट जो था उसको कब डिस्कवर किया गया? 1498 में। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? वास्कोडी गामा। हु डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया? वास्कोडी गामा। वेन? इन 1498। इन दिस वे वी कैन से दैट वास्कोडी गामा डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया फ्रॉम यूरोप इन 1498। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इंडिया और यूरोप के बीच में जो बिजनेस जो था, कमर्स जो था, वो अब डायरेक्ट होने लगा। द पोर्चुगीज सून सेट अप अ ट्रेडिंग पोस्ट इन गोवा। अब पोर्चुगीज जो थे, पुर्तगाली जो थे, पोर्चुगीज जो थे उन्होंने गोवा के अंदर अपनी एक ट्रेडिंग पोस्ट जो थी वो सेट कर दी, दमन में की, दीव में की और बॉम्बे में की। आफ्टर दिस कन्क्वेस्ट इन गोवा द पोर्चुगीज इंस्टीट्यूट द गोवा इंक्विशन वेयर न्यू इंडियन कन्वर्ट्स एंड नॉन क्रिश्चियंस वर पनिश्ड फॉर सस्पेक्टेड हियरसे अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी एंड वर कंडेम्ड द बर्न्ट। अब धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो गोवा का जो एरिया जो था उसको उन्होंने जीत लिया। गोवा को कनकर करने के बाद में पोर्चुगीज जो थे उन्होंने वहाँ पर क्रिश्चियनिटी जो थी उसको स्प्रेड करने का काम किया। जो इंडियन लोग जो थे उनको क्रिश्चियन बनाने के लिए उन्होंने कई सारे वेज निकाले, कई सारे इंडियन जो थे वो किस क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट हो गए, और जो नॉन क्रिश्चियन जो थे, मतलब जो क्रिश्चियन नहीं थे, ऐसे लोगों को पनिश करते थे। कुछ भी उनको सस्पेक्टेड लगता था या क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में कोई बात करता था तो उन लोगों को पोर्चुगीज जो थे वो पनिश करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, जला देते थे। गोवा बिकम द मेन पोर्चुगीज बेस अंटिल इट वॉज एनेक्स्टेड बाय इंडिया इन 1961। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक लगाना है। तब से लगाकर गोवा जो था वो 1961 तक पोर्चुगीज के अंडर में रहा। इंडिया जो था वो 1947 को इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन गोवा से पोर्चुगीज जो थे वो 1961 में गए। द नेक्स्ट टू अराइव वर डच विद द मेन बेस इन द सिलोन। पोर्चुगीज के बाद आने वाले जो दूसरे जो यूरोपियन जो थे वो थे डच। डच किसको कहा जाता है? द नेटिव पीपल ऑफ हॉलैंड। हॉलैंड के जो लोग हैं, हॉलैंड जिसको प्रेजेंट टाइम में नीदरलैंड भी कहा जाता है, तो हॉलैंड या नीदरलैंड के जो लोग हैं उनको कहा जाता है डच। तो पोर्चुगीज के बाद आने वाले जो सेकंड जो यूरोपियन जो थे वो थे डच, और उनका जो मेन बेस जो था या जो मेन एरिया जो था वो था सिलोन। सिलोन को टिक लगाना है। सिलोन मतलब प्रेजेंट डे में जो श्रीलंका है उसको एंशंट टाइम में सिलोन कहा जाता था। तो डच जो थे उनका मेन बेस सिलोन था। दे एस्टेब्लिश पोर्ट्स इन मलाबार। मलाबार जो कि तमिलनाडु और केरल के पास में एक एरिया है, कोस्टल एरिया है, वहाँ पर उन्होंने एक पोर्ट इस्टेब्लिश किया।
However, their expansion into India was halted after their defeat in the Battle of the Kolachil by Kingdom of the Travancore during the Travancore Dutch War. The Dutch never recovered from the defeat and no longer posed a large colonial threat to India. लेकिन डच जो थे वो अपने आप को इंडिया में एक्सपांड नहीं कर पाए. क्यों एक्सपांड नहीं कर पाए? क्योंकि डच जो थे उनको त्रावणकोर के जो रूलर जो थे उनके साथ में बैटल लड़ना पड़ा और उस बैटल में डच जो थे वो हार गए. तो डच और त्रावणकोर के बीच में जो बैटल लड़ा गया था, बैटल ऑफ कोलाचील, उसमें त्रावणकोर के जो रूलर जो थे उन्होंने डचों को डिफीट कर दिया और इसके बाद में डच जो थे वो अपने आप को कभी भी रिकवर नहीं कर पाए और न ही वो इंडिया में अपने आप को एक्सपांड कर पाए. The numerous trading companies were coming for buying goods such as spices, cotton, silk and indigo. बहुत सारी कंपनियाँ जो थी वो इंडिया में डिफरेंट टाइप के गुड्स बाय करने के लिए आते थे, परचेज करने के लिए आते थे, जिसमें स्पाइसेस थे, कॉटन थे, सिल्क थे, इंडिगो थी. दे ऑल वॉन्टेड टू बाई दिस गुड्स एट लो प्राइस इन इंडिया एंड सेल देम एट द वेरी हाई प्राइसेस. एज दे ऑल वर बाइंग फ्रॉम इंडिया सो देयर प्रॉफिट्स ऑन बिगन टू श्रिंक. वो क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे. वो इंडिया से लो प्राइसेस में जो गुड्स और कमोडिटीज़ जो थी, यानी कि सीधा सिंपल से शब्दों में कहें, इंडिया से वो जो सामान खरीदते थे उसको लो प्राइस में वो यहाँ से खरीदते थे और उसको फिर हाई प्राइस में उसको सेल कर देते थे. तो इंडिया से वो जो गुड्स खरीदते थे उनके ऊपर उनको बहुत सारा प्रॉफिट होने लगा. दिस लेड टू राइवलरी अमंग देम. इस वजह से क्या हुआ, वो आपस में एक दूसरे से दुश्मन बनते, राइवलरी जो थी वो बढ़ती गई. द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग इंडियन किंगडम गेव अपॉर्चुनिटी टू द यूरोपियन ट्रेडर्स टू ग्रेजुअली एस्टेब्लिश पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड द एप्रोप्रिएट लैंड्स. अब यूरोपियन अपने आप को इंडिया में सेटल कैसे कर पाए, तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन थे, हमारे यहाँ के जो रीजनल जो रूलर जो थे. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के जो रीजनल जो रूलर जो थे उनमें आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था. हमारे यहाँ के जो देसी जो किंगडम के जो रूलर जो थे उनके आपस में नहीं बनती थी, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था. उस अपॉर्चुनिटी का जो बेनिफिट जो था वो यूरोपियन ने उठाया और इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का बेनिफिट उठा के उन्होंने अपने आप को इंडिया में सेटल कर दिया. फॉलोइंग द डच, द ब्रिटिश हु सेट अप इन द वेस्ट कोस्ट पोर्ट ऑफ सूरत. डच के बाद में आने वाले जो ब्रिटिशर, डच के बाद आने वाले जो यूरोपियन जो थे वो थे ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स ने अपनी जो फर्स्ट ट्रेडिंग कोस्ट जो थी उसको 1619 में सूरत में एस्टेब्लिश की. टिक लगाना इसको. तो सबसे पहले थे पोर्चुगीज, फिर डच और इसके बाद में ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली ट्रेडिंग कोस्ट या ट्रेडिंग पोस्ट जो थी वो कहाँ पर एस्टेब्लिश की थी, 1619 में सूरत में. एंड द फ्रेंच बोथ एस्टेब्लिश ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आउटपुट्स इन इंडिया. फिर ब्रिटिशर्स के बाद में आए फ्रेंच. फ्रेंच ने भी अपनी ट्रेडिंग पोस्ट जो थी वो सूरत में एस्टेब्लिश की. Although this continental European powers control various coastal region of southern and eastern India during the ensuing century, they eventually lost all their territories in India to the British, with the exception of the French outposts of the Pondicherry and the Chandranagar and the Portuguese colonies of Goa, Daman and Diu. Ab Portuguese bhi aaye, Dutch bhi aaye, Britishers bhi aaye, French bhi aaye. लेकिन इन सब में सबसे पावरफुल जो साबित हुए वो थे ब्रिटिशर्स थे. ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर और अपनी इंटेलिजेंस के बेस पर कितने भी यूरोपियन जो जितने भी यूरोपियन जो लोग जो थे उनको इंडिया से बाहर कर दिया. मोस्ट ऑफ इंडिया का जो पार्ट जो था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में रह गया. डच जो थे उनके हाथ में कुछ नहीं रहा. फ्रेंच के पास हाथ में सिर्फ पौंडुचेरी और चंद्रनगर का एरिया रहा और पोर्चुगीज के हाथ में गोवा और दमन दीव रहा. बाकी मोस्ट ऑफ इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था.